हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे बच्चों के लिए लाए हैं अल्फाबेट लैंड। तो चलो शुरू करते हैं अपनी अल्फाबेट लैंड। सबसे पहले तो जानते हैं अल्फाबेट होता क्या है। अल्फाबेट का मतलब है बहुत सारे लेटर्स का एक साथ होना, जिससे मिलकर हम एक वर्ड बना सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें अपना नाम ही लिखना है तो हमारा नाम जो है कई सारे लेटर्स को मिलाकर बना है। जानते हो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और हर लेटर की अपनी एक साउंड होती है। ये जो लेटर्स हैं इनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। कैसे? स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। तो सबसे पहला जो हमारा लेटर है वो है ए, और उसकी साउंड क्या है? ए। एग्जाम्पल क्या हुआ? एप्पल। तो साउंड क्या मिली हमें? ए। फिर हमारा दूसरा लेटर है बी। अब बी की साउंड क्या है? ब, ब। तो उससे अगर हम वर्ड बनाए तो क्या बना? बर्ड। तो साउंड क्या निकली? ब। फिर हमारा तीसरा लेटर है सी। सी की साउंड होती है क, यानी कि एग्जाम्पल क्या हुआ? कैट। तो सी की साउंड क्या है? क। डी। डी की साउंड क्या हुई? ड। ड से क्या बना? डॉग। ई। ई की साउंड होती है ए। तो ई की साउंड से ए, और ऐसे क्या बना? एग। तो हम जो है ई की साउंड निकालते हैं ए। फिर आता है हमारा एफ। एफ की साउंड हुई यानी फ्रॉग। तो हमारा जो मुंह है उसमें हम दांत जब दबा लेते हैं होठों से तो हम कहते हैं और फिर हमारी साउंड निकलती है फ की, यानी एफ की, और उसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग। फिर आया हमारा जी। जी की साउंड क्या है? ग। ग यानी कि कोट। तो हम जी की साउंड बोलते हैं ग। इसके बाद आया हमारा एच। एच की साउंड क्या हुई? ह। तो ह से क्या निकला? हेन। तो हमारे एच के लेटर की साउंड है ह। इसके बाद है आई। आई जो है हमारा साउंड क्या देता है? ई, यानी कि छोटी ई होती है उसको हम ई कहते हैं। इसके लिए हमारा एग्जाम्पल क्या होगा? इंक। तो हमारे आई की साउंड क्या है? ई। फिर आया जे। जे की साउंड है ज। अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम क्या बोलेंगे? जेली फिश। तो जे की साउंड क्या आई? ज। नेक्स्ट लेटर है हमारा के। के की साउंड है क, यानी कि क। तो के की साउंड से हम क्या बोलते हैं? काइट। अभी सी की साउंड भी क है और के की साउंड भी क है। फिर आता है एल। एल की साउंड क्या है? ल, यानी कि जीव जो है वो ऊपर अपने जो आपका माउथ का ऊपर का पोर्शन है उस पे आप रोक के करो ल, तो यानी कि ल। तो हमारा जो एग्जाम्पल हुआ वो हुआ लायन। तो हमने क्या बनाया? ल, उससे साउंड निकली लायन। एग्जाम्पल हुआ लायन। फिर है हमारा अगला लेटर
एम, एम की साउंड है म, यानी कि मंकी। अब म, आप क्या करोगे मंकी बोलने के लिए दोनों लिप्स को जोड़ दोगे तो साउंड, और फिर अंदर से साउंड निकालोगे तो क्या आवाज आएगी म, तो उससे हमारा एग्जाम्पल क्या बना मंकी। फिर एन, एन से की साउंड कैसे आई न, यानी कि न जो होता है वो एन की साउंड है न, और हम इसको बोलेंगे कैसे नेस्ट, तो एन की साउंड है न। ओ, ओ की साउंड ओ ही है यानी कि ओ, ऑरेंज, ठीक है, ओ औ ऐसे होता ना ऑरेंज, तो आप ओ बोल सकते हैं। फिर है पी, पी की साउंड ही प, पैरेट, प, हम जो है पी की साउंड बोलते हैं प, एग्जाम्पल हुआ हमारा पैरेट। फिर है क्यू, क्यू की साउंड है ख्व, यानी कि ख्व, क्वीन, तो क्यू की साउंड क्या हुई ख्व, क्वीन। आर की साउंड क्या हुई र, यानी कि रैट, तो हम लोग आर की साउंड को क्या बोलते हैं र, यानी र, रैट। फिर एस है, एस की साउंड है स, एस की साउंड कैसी हुई स, यानी स्नेक, तो बोलने के लिए हम कैसे बोल रहे हैं स्नेक। टी, टी की साउंड हुई ट, ट, तो टी को कैसे बोलेंगे टॉय, टी की साउंड क्या है ट। यू, अब यू की साउंड जो है वो अ है, यू की साउंड क्या है अ, तो हम इसको क्या बोलते हैं एग्जाम्पल अम्ब्रेला, यू की साउंड यू नहीं, यू की साउंड है यू यानी अ, अ से बना अम्ब्रेला। फिर आता है हमारा अगला लेटर वी, वी की साउंड क्या है व, व से बना वैन। W, W जो है उसकी साउंड है वो, कैसे वो, तो अब हम क्या बोलेंगे वॉच, तो W की साउंड क्या है वो यानी वॉच। X, नेक्स्ट लेटर X, X क्या है क्स, क्स, यानी अब हम इसको बोले क्रिसमस, ज़ाइलोफोन, ऐसे करके हम साउंड निकालते हैं तो बनता है ज़ाइलोफोन, ये साउंड होती है। फिर आता है वाई, वाई की साउंड क्या हुई य, यानी याक, वाई की साउंड क्या हुई य। और हमारा आखिरी लेटर है जी, यानी जी की साउंड क्या हुई जी, और ये बना जीब्रा। तो ये थी हमारे हर लेटर की साउंड, और हमने टोटल कितने लेटर्स पढ़े 26। अब हम बताते हैं आपको किस तरीके से लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं। अब देखो जैसे बी ओ वाई, इन तीनों को अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया बॉय। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है M A N, और ये मिलके क्या बना मैन। अब बॉय जो है हमारा उसमें हमने कितने लेटर्स लिखे 3, हम ये थोड़ी बोलेंगे 3 अल्फाबेट्स थे, हम कहेंगे बॉय में 3 लेटर्स थे जिससे मिलकर वो एक वर्ड बना। चलो अब हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें क्या है बताना है आपको जो वर्ड है उसमें कितने लेटर्स हैं, कितने सारे लेटर्स से मिलके वो बना है। अच्छा तो सबसे पहले आता है हमारा पेंसिल, अब पेंसिल में कितने लेटर्स हैं
पी एन सी आई एल, यानी कि टोटल बनाए 6 लेटर्स, और 6 लेटर्स से मिलके क्या बना? पेंसिल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये क्या दिख रहा है? शीप। अब शीप कैसे बना? एस एच ई ई पी। तो शीप के टोटल कितने लेटर्स हुए? 5। फिर हमारा अगला आया एक बड़ा सा वर्ड, एलिफेंट। जितना बड़ा एलिफेंट उतना बड़ा उसका नाम। तो एलिफेंट में टोटल कितने वर्ड्स आते हैं, लेटर्स? आप देखते हैं, ई एल ई पी एच ए एन टी। क्या हो गया ये? एलिफेंट। और टोटल कितने लेटर्स हुए? 8। फिर तो इसके बाद हमारा एक वर्ड और है जो तो और भी बड़ा है। ये क्या है? साइलोफोन। एक्स वाई एल ओ पी एच ओ एन ई। टोटल कितने लेटर्स हुए? 9। और ये हुई हमारी आखिरी वर्ड। क्या दिखता है हमें? बॉटल। बॉटल में कितने लेटर्स हैं? बी ओ टी टी एल ई। तो टोटल कितने लेटर्स हो गए? 6। अब एक और छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि यहां पर कुछ उल्टे सीधे लेटर्स दिए हुए हैं, उनको सही करके हम बनाते हैं अपना एक वर्ड। ये हमें क्या दिख रहा है? के वाई ई एन ओ एम। अब इसमें हम क्या करें कि ये सही बन जाए? हाँ, तो पहले लिखते हैं एम ओ एन के ई वाई। ये क्या बन गया हमारा? मंकी। अब दूसरा क्या दिया है? यू बी टी। देखने से क्या लग रहा है? हाँ, ये है एक टब। तो ये बन गया टी यू बी टब। ये तो बड़ी अच्छी सी लड़की दिख रही है, तो इसके बारे में ये क्या है? आई आर एल जी। और सही करके क्या बन गया? जी आई आर एल। ये हो गई हमारी गर्ल। ये तो देखने में ही आ गया कि क्या लिखा है, फिर भी जंबल कैसे दिया हुआ है? ओ बी ओ के। और क्या हो गया ये? बुक। बी ओ ओ के। अरे ये एप्पल है। एप्पल क्या होता है? फ्रूट। यानी जो जंबल वर्ड है वो तो देखते ही समझ में आ गया, आर एफ आई टी यू। और ये सही करके क्या बन गया? फ्रूट, एफ आर यू आई टी। अच्छा, अब इसके बाद हमने कैपिटल लेटर तो पढ़ लिए, पर आपको पता है कैपिटल लेटर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ हमें कैपिटल लेटर्स को लिखना होता है? चल शुरू करके देखते हैं। जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जैसे माय मदर लव्स कुकिंग, तो इसमें पहला लेटर कौन सा कैपिटल होगा? एम। यानी एम लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होगा। फिर दूसरा क्या है? द वर्ड
आई, यानी जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो आई को जो है कैपिटल लिखते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि आप कितने साल के हो तो आप बोलोगे आई एम 8 years old, तो ये जो आई है वो कैपिटल होगा। इसी तरीके से जो नाम होते हैं लोगों के वो भी कैपिटल में लिखे जाते हैं, जैसे राकेश, रीता, तो इसमें राकेश का आर कैपिटल और रीता का आर कैपिटल। जगहों के नाम भी जो है हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसे आगरा, इंडिया। अब आगरा में क्या कैपिटल होगा? ए, और इंडिया में क्या कैपिटल होगा? आई। फेस्टिवल के नाम भी हम कैपिटल में लिखते हैं, हमारे पास कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उन सब फेस्टिवल्स के जो नाम हैं वो कैपिटल में लिखते हैं, जैसे क्रिसमस, होली, दिवाली, तो क्रिसमस का सी कैपिटल, होली का एच कैपिटल और दिवाली का डी कैपिटल। तो आपको अल्फाबेट लैंड में मजा आया? कुछ समझ आया आपको? अच्छा लगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा लगा तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर आपको कुछ नया सिखाएंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय।